मैं हूं बुशा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। कैनेडियन वजीर आजम ने जंगलात में लगी आग पर काबू पाने वाले फौजियों से मुलाकात की। फौजियों से मुलाकात के बाद ट्रूडो गैर मुल्की दौरे पर रवाना। वफाकी हुकूमत की सूबाई हुकूमत को मुकम्मल तआवुन की यकीन दहानी। कैनेडियन ब्लड सर्विसेज की डोनर्स के लिए मुहिम। डोनर्स को खून अतिया करने की आदत बनाने का मशवरा। शाइन एलाइट मुहिम 6 हफ्तों तक जारी रहेगी। टोरंटो में रेंटल स्कैंडल के मुलजिम का मुतअद्दिद नाम और अलकाबात इस्तेमाल करने का इंकशाफ। पुलिस का कहना है अभी भी मुश्तबा शख्स की तलाश कर रहे हैं। पुलिस की शहरियों से मदद की अपील। अमेरिका में चर्च पर फायरिंग में पादरी समेत 3 अफराद हलाक, 6 जख्मी। सियाह लिबास पहने नौजवान ने खुदकार असलहे से गोलियां बरसा दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में हमला आवर भी मारा गया। न्यूजीलैंड में वेलिंगटन के हॉस्टल में आग, 10 अफराद हलाक, 52 अफराद को हॉस्टल से बाहर निकाल लिया गया। अमवात की तादाद में इजाफे का खदशा जाहिर किया गया है। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने एडमिंटन में कनाडा के मुसल्ला अफवाज के कुछ अरकान से मुलाकात की जो अल्बर्टा की फायर फाइट में मदद कर रहे हैं। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो एडमिंटन में कनाडा के मुसल्ला अफवाज के कुछ अरकान से मुलाकात की जो अल्बर्टा की फायर फाइट में मदद कर रहे हैं। वजीर आजम कनाडा के पब्लिक सेफ्टी मिनिस्टर बिल ब्लेयर और एडमिंटन सेंटर के मेंबर पार्लियामेंट रैंडी बोसोनार्ट ने CFB एडमिंटन में कैनेडियन एयरफोर्स के सेट का दौरा किया और उन्हें सूबे के अतराफ में फ्रंट लाइंस पर भेजे जाने वाले सामान को दिखाया गया। 17,000 से ज्यादा अल्बर्टन जंगल की आग के खतरे की वजह से घर जाने से कासिर हैं। पीर की सपहर चूंकि सूबे के वस्ती और शुमाली निसफ हिस्से में जंगल की 90 आग लगी हुई थी। 15 इनखिला के अहकाम जारी हैं, बशमूल वैली व्यू जिसे पीर की सपहर खाली कर दिया गया। पीर को वजीर आजम को बताया गया था कि CAF के अराकीन फायर गार्ड्स बनाने, होजर को हरकत देने, गर्म मकामात की सफाई और इमारतों की हिफाजत में मदद कर रहे हैं। बुनियादी तौर पर जंगली इलाकों के फायर फाइटर्स को सबसे ज्यादा तकनीकी फायर फाइटिंग को संभालने के लिए आजाद कर रहे हैं। ट्रूडो जो जापान में G7 सरबराहे इजलास के लिए जा रहे हैं ने मीडिया से बात नहीं की। तहम उनके वज़रा ने ये वादा किया कि जब तक उसकी ज़रूरत होगी वफाकी हुकूमत का तआवुन जारी रहेगा। बिल ब्लेयर का कहना था कि हम ना सिर्फ मुल्क भर के दूसरे सूबों के साथ बल्कि दूसरे ममालिक रियासतें हाय मुतहदा ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड और मैक्सिको के साथ बहुत करीब से काम कर रहे हैं ताकि ये देखा जा सके कि क्या हम दूसरे फायर फाइटर्स को कनाडा के मुसल्ला अफवाज की मदद के लिए यहाँ ला सकते हैं। उनका कहना था कि ब्रिटिश कोलंबिया सैस्केचुआन और शुमाल मगरबी इलाकों में जंगल की आग जल रही है और इसलिए हम जानते हैं कि अभी मजीद वसाइल दरकार हैं। मजीद डोनर्स को राग़िब करने के लिए कैनेडियन ब्लड सर्विसेज की जानिब से एक नई मुहिम शुरू की जा रही है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। मजीद डोनर्स को राग़िब करने के लिए कैनेडियन ब्लड सर्विसेज की जानिब से एक नई मुहिम शुरू की जा रही है।
शाइन ए लाइट मुहिम मांग को बरकरार रखने के लिए 1,00,000 खून और प्लाज्मा के एहतियात की जरूरत को उजागर कर रही है। गैर मुनाफा बख्श तंजीमों का कहना है कि वबाई अमराज के दौरान तादाद में कमी वाकई हुई। कैनेडियन ब्लड सर्विसेज के अवामी उमूर के नायब सदर रॉन वेजिना ने कहा कि वबाई मर्ज के दौरान हमने देखा है कि कैनेडा के अतिया दहिंदगान की शिरकत के शरह अहल आबादी के सिर्फ 4% से कम होकर 2% से कम हो गई है। ये कैनेडा भर के लोगों के लिए एक मुतहरिक कॉल है कि वो कैनेडा की लाइफलाइन को मजबूत बनाने में हमारे साथ शामिल हों। वेजिना का कहना है कि तहकीक से पता चलता है कि लोग अतिया ना करने की बुनियादी वजह यह है कि वो महसूस करते हैं कि किसी ने उनसे कभी नहीं कहा। यही वजह है कि हम इस सूरत हाल पर रोशनी डाल रहे हैं और उन लोगों से मुलाकात कर रहे हैं जिन्होंने इस मुलाकात के लिए पहले चंदा नहीं दिया है, चाहे ये आज हो, अगले हफ्ते या जितनी जल्दी हो सके। आप कभी नहीं जानते कि आपकी ज़िंदगी में कब किसी को खून की मसनूआत की ज़रूरत पड़ सकती है। आपकी कम्युनिटी की ज़रूरत है कि आप मुस्तकिल बुनियादों पर अतिया देना शुरू करें। वेजिना ने मजीद कहा कि कैनेडियन ब्लड सर्विसेज लोगों से नीचे की तरफ जाने वाले रुझान को रिवर्स करने के लिए कदम बढ़ाने और खून और प्लाज्मा के अतिया को एक आदत बनाने के लिए कह रही है, जो जारी है। अतियात में इजाफे के अलावा तंजीम का कहना है कि इसे ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो कम दस्तियाब आम खून की इकसाम के हामिल हों। शाइन ए लाइट मुहिम 6 हफ्तों तक चलेगी, जिसका अख्तिताम खून के अतिया दहिंदगान के आलमी दिन पर होगा, जिसमें कैनेडा के 60 निशानात भी रोशन होंगे। टोरंटो पुलिस का कहना है कि किराए के स्कैंडल में मुलविस मुलजिम, जिसने मुतादित मुतासरीन को निशाना बनाया है, उसने मुख्तलिफ अलकाबात और कंपनी के नाम इस्तेमाल किए हैं। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। टोरंटो पुलिस का कहना है कि किराए के स्कैंडल में मुलविस मुलजिम, जिसने मुतादित मुतासरीन को निशाना बनाया है, उसने मुख्तलिफ अलकाबात और कंपनी के नाम इस्तेमाल किए हैं। पुलिस ने कहा कि नवंबर 2022 और फरवरी 2023 के दरमियान एक शख्स ने मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर टोरंटो अपार्टमेंट्स को किराए के लिए मुश्तहिर किया, लेकिन वो अपार्टमेंट्स दिखाने या किराए पर देने का इख्तियार नहीं था। मुतादित मुतासरीन को मुबैना तौर पर धोखा दिया गया था और तफ्तीशकारों ने कहा कि मुतासिर होने वाले मजीद अफराद भी हो सकते हैं। पुलिस ने कहा कि वो अभी भी मुश्तबा शख्स की तलाश कर रहे हैं। अफसरान ने बताया कि 49 साल जैम द्योरियम तौरितन ने मुतादित अलकाबात और कंपनी बशमूल GTA रेंटल्स और स्मार्ट रेंटल्स प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के नाम इस्तेमाल किए हैं। पुलिस का कहना है कि कोई भी शख्स जिसके पास मजीद मालूमात हो, वो शिकार हो सकता है या जानता है कि मुश्तबा को कहाँ है, वो गुमनाम तौर पर पुलिस या क्राइम स्टॉपर्स से राब्ता करे। अमरीकी रियासत न्यू मैक्सिको में 18 साल नौजवान ने एक चर्च के बाहर अंधाधुंध फायरिंग करके 3 अफराद को कत्ल और 6 को जख्मी कर दिया, जबकि मुलजिम भी पुलिस की जवाबी कार्रवाई में मारा गया। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। अमरीकी रियासत न्यू मैक्सिको में 18 साल नौजवान ने एक चर्च के बाहर अंधाधुंध फायरिंग करके 3 अफराद को कत्ल और 6 को जख्मी कर दिया, जबकि मुलजिम भी पुलिस की जवाबी कार्रवाई में मारा गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक न्यू मैक्सिको के शहर फार्मिंगटन के एक चर्च पर सियाह लिबास पहने नौजवान ने खुदकार असलहे से गोलियां बरसा दी। फायरिंग के नतीजे में पुलिस के पहुंचने से कबल ही जाए वकूफ पर 3 अफराद दम तोड़ चुके थे, जबकि 2 पुलिस अहलकारों समेत मुतादित अफराद जख्मी हुए। मुलजिम ने ताकुब करने वाले पुलिस अहलकारों को भी निशाना बनाया, जिससे 2 अहलकार जख्मी हो गए, जबकि जवाबी कार्रवाई में नौजवान हमला आवर मारा गया। हमला आवर को पुलिस ने तलाश किया, जो पुलिस की फायरिंग के नतीजे में मारा गया। फार्मिंगटन पुलिस के तर्जुमान ने बताया कि नौजवान की फायरिंग से 3 अफराद हलाक और 6 जख्मी हुए। हलाक होने वालों में पादरी भी शामिल हैं। हलाक होने वाले अफराद की लाशों और जख्मियों को मुकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस की जानिब से हमला आवर की शनाख्त हाल पोशीदा रखी गई है, जबकि उसके लोगों पर फायरिंग करने की वजह भी सामने न आ सकी। अमरीका में रवां बरस के इब्तदाई 5 माह में फायरिंग के 225 वाकयात रोनुमा हुए थे, जिनमें दर्जनों अफराद हलाक और मुतादित जख्मी हो गए। न्यूजीलैंड के दारुल हुकूमत वेलिंगटन के वस्ती इलाके के एक हॉस्टल में आतिश जदगी का वाकया पेश आया, जिसमें 10 अफराद जलकर हलाक हो गए, जबकि 30 अफराद अब भी लापता हैं। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। न्यूजीलैंड के दारुल हुकूमत वेलिंगटन के वस्ती इलाके के एक हॉस्टल में आतिश जदगी का वाकया पेश आया, जिसमें 10 अफराद जलकर हलाक हो गए, जबकि 30 अफराद अब भी लापता हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमले ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पा लिया, ताहम 10 अफराद हलाक हो चुके थे। अमला इमारत से 52 अफराद को बाहिफाजत निकालने में कामयाब हुआ, जबकि 30 अफराद अब भी लापता हैं। ज़राए के मुताबिक आग मकामी वक्त के मुताबिक निसफ शब को 12:30 बजे लगी थी। 52 अफराद को हॉस्टल से बाहर निकाल लिया गया है, जबकि अमवात की तादाद में इजाफे का खदशा जाहिर किया गया है। फायर एंड एमरजेंसी न्यूजीलैंड ने कहा कि लापता अफराद के बारे में
हलाकत की तस्दीक अब तक नहीं हो पाई है। जख्मी अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जिनमें से एक की हालत तश्वीशनाक है और चार की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। हुक्काम के मुताबिक खदशा जाहिर किया गया है कि आग जानबूझकर लगाई गई है। आग बुझाने के अमल में 20 से जायद फायर ब्रिगेड्स ने हिस्सा लिया। वाज़ेह रहे कि हॉस्टल में 92 अफराद की रिहाइश की गुंजाइश है। टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी।